हाय फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीएम पंक ने WWE को क्यों छोड़ दिया था। WWE का एक जाना पहचाना नाम सीएम पंक, WWE के सबसे लोकप्रिय और कामयाब सुपरस्टार में से एक सीएम पंक 2014 में रहस्यमय परिस्थितियों में कंपनी से रिलीज कर दिए गए थे। पंक का WWE से चले जाना WWE यूनिवर्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, और जब तक पंक ने खुद ही उनके कंपनी छोड़ने के कारणों से पर्दा नहीं उठाया तब तक लगातार इस पर चर्चा होती रही और कयास लगाते जाते रहे। WWE कंपनी ने सीएम पंक को तब चुना था जब वो इंडिपेंडेंट रेसलिंग सर्किट के सबसे हॉट नामों में से एक बन चुके थे। 2006 में WWE की डेवलपमेंट टेरिटरी में काम करने के बाद वास्तव में पंक ने अपना वास्तविक डेब्यू 24 जून 2006 को ECW के लाइव इवेंट में प्रमोशनल सेगमेंट के दौरान किया। सीएम पंक का WWE के साथ एक चमकदार और डेकोरेटेड करियर रहा। कंपनी के द्वारा ऑफर की जाने वाली लगभग हर चैंपियनशिप उन्होंने जीती। WWE में अपने कार्यकाल के दौरान वो 5 बार WWE के वर्ल्ड चैंपियन, 1 बार ECW चैंपियन, WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और साथ ही WWE टैग टीम चैंपियन का हिस्सा भी रहे। बड़ी फैन फॉलोइंग और उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी थी जब अचानक ही जून 2014 में उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। पंक 2014 रॉयल रंबल मैच के दौरान आखिरी बार WWE में नजर आए थे और उसके बाद से वो WWE टेलीविजन की शोभा बढ़ाते कभी दिखाई नहीं दिए। कई महीनों की अफवाहें, अटकलों और आधी अधूरी जानकारी के बाद सीएम पंक अपने दोस्त के आर्ट ऑफ रेसलिंग पॉडकास्ट में दिखाई दिए। उन्होंने WWE से अपने निकाले जाने की परिस्थितियों को स्पष्ट किया। इसके बाद सीएम पंक ने बताया कि वो ट्रिपल एच के साथ रसलमेनिया 30 में रेसलिंग ना करने के बारे में ट्रिपल एच और विंस मैकमैन दोनों से मिले थे। सीएम पंक ने यह साफ किया कि उन्होंने WWE को नहीं छोड़ा बल्कि WWE सुपरस्टार एजे ली से उनकी शादी के दिन ही कंपनी ने उन्हें निकाल दिया था। सीएम पंक के WWE के साथ बिताए गए समय में बहुत सारे कारण और मतभेद उभरकर सामने आए थे और इसमें हेल्थ संबंधी चिंताएं सबसे महत्वपूर्ण रीजन थी। सीएम पंक ने इस बात का भी जिक्र किया कि WWE से उनकी विदाई के समय प्रोफेशनल रेसलिंग के लिए उनमें जरा भी एक्साइटमेंट नहीं बचा था और इसलिए वह अब कभी भी WWE में दोबारा वापस नहीं आएंगे। स्टीव ऑस्टिन के शो में विंस मैकमैन के सीएम पंक से माफी मांगने के बावजूद पंक ने इस बात का इशारा एक बार भी नहीं दिया कि वो WWE में दोबारा वापस आना चाहते हैं या भी नहीं। विंस के माफी मांगने को सीएम पंक एक पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं और अब ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में भी इन मसलों का कोई हल जल्दी निकलने वाला नहीं है। माना जाता है पंक और विंस मैकमैन के बीच कुछ बड़ा हुआ था जिसके चलते ऐसा हुआ, जिसपे खुलके ना तो WWE की अथॉरिटी बात करती है और ना ही सीएम पंक। शायद WWE को अभी सीएम पंक की जरूरत का एहसास हो गया है। WWE चाहती है कि सीएम पंक वापसी करें, बट सीएम पंक इसके बाद मिक्स मार्शल आर्ट्स की दुनिया में चले गए और इस समय UFC में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हालांकि सीएम पंक WWE के खिलाफ अभी तक काफी सारे अलग अलग दावे कर चुके हैं, लेकिन अभी तक WWE ने इस कहानी में अपने पक्ष का खुलासा नहीं किया है। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक मारो, और इस तरह की WWE अपडेट हिंदी में पाना चाहते हैं तो प्लीज यार हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन के साथ कुश्ती लड़ो, कबड्डी लड़ो, जो लड़ना है लड़ो यार, बट सब्सक्राइब करो। Thank you.